अस्सलाम वालेकुम, दिस अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पांडा के बारे में। तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया था February 24, 2011 को। इसको बनाने का मकसद ये था कि डुप्लीकेट कंटेंट, प्लेगराइज्ड और थिन कंटेंट को फाइंड किया जा सके। उसके अलावा जो यूजर जनरेटेड स्पाम है उसे रोका जा सके और कीवर्ड स्टफिंग को रोका जा सके। तो बेसिकली जिन वेबसाइट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये पांडा उन्हें पिनलाइज कर देता है और उन्हें रैंक नहीं होने देता। तो बेसिकली ये वर्क इस तरीके से करता है कि ये क्वालिटी स्कोर असाइन कर देता है वेब पेजेस को, और इसे एज ए रैंकिंग फैक्टर भी यूज़ किया जाता है। तो 2016 से पहले ये गूगल एक दो दफ़ा स्कैन कर लेता था मंथ में गूगल पांडा एल्गोरिथम के जरिए। अब जो है उन्होंने इसे गूगल कोर एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो जब अब कोई भी कानून तोड़ा जाता है तो ये फ़ौरन इफेक्ट करता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको गूगल पांडा की समझ आ गई होगी। अल्लाह।